हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेज सो गाइस एज यू ऑल नो दैट कि हमने शुरू की है एच पी टेट मेडिकल की बायोलॉजी सेक्शन के टॉप 500 क्वेश्चन की प्रिपरेशन सीरीज़ इसका पार्ट वन हम कल डिस्कस कर चुके हैं थर्टी क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए थे टॉप थर्टी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ वीडियो आपको कमेंट करके बताना है कि थर्टी में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए ठीक है ठीक है पार्ट वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का एचपीड प्रिपरेशन सीरीज का वहां से आप उस वीडियो को देख लेना और भी बहुत सारी वीडियोज हैं साइकोलॉजी की है केमिस्ट्री की है बायोलॉजी की और भी तो आप वहां से उन वीडियोज को भी देख सकते हैं तो चलो अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पर ठीक है कल हमने यहां तक क्वेश्चन कर लिए थे क्वेश्चन नंबर नाइनटी तक स्टोन फॉर्मड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ सो जो स्टोन होता है ह्यूमन किडनी में वो बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट का तो यहां तक हमने कर लिया था आज हम देंगे आज के थर्टी क्वेश्चंस ठीक है सो क्वेश्चन नंबर वन इज अबनॉर्मल राइज़ इन आरबीसी काउंट इज कॉल्ड अगर जो आरबीसीस हैं वो एक लिमिट से ज्यादा हो जाती हैं उस कंडीशन को क्या कहा जाता है ए ल्यूकोसाइटोसिस एरिथ्रोसाइटोपेनिया एरिथ्रोपोएसिस या फिर डी पॉलीसाइथेमिया सो इस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया और पोलिसाइथीमिया को अरिथ्रोसाइटोसिस भी कहते हैं तो कई बार अगर आपको अरिथ्रोसाइटोसिस आ गया तो आपने इसको टिक करना है क्योंकि पोलिसाइथीमिया और रिथ्रोसाइटोसिस एक ही है नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकेमिया इज ड्यू टू ल्यूकेमिया किसके कारण होता है जो ल्यूकेमिया होता है ये ब्लड कैंसर होता है ठीक है तो ये किसके कारण होता है एक्सेस ऑफ डब्ल्यू बी सी एक्सेस ऑफ आर बी सी डिक्रीज इन डब्ल्यू बी सी या फिर डी नान ऑफ दिज सो ल्यूकेमिया होता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ डब्ल्यू बी सी अगर वाइट ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में हो जाएँ तो ल्यूकेमिया होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ जो फ़िलोटैक्सी है वो किसकी अरेंजमेंट है लीव्स के अरेंजमेंट है स्टेम की अरेंजमेंट है फ्लावर्स की अरेंजमेंट है या फिर रूट्स के अरेंजमेंट है ठीक so है सो फिलोटैक्सी अरेंजमेंट है लीव्स की कि स्टेम पर लीव्स किस तरह से अरेंज हुई हैं ठीक है ठीके? अलग अलग वे से लीव्स स्टेम पर अरेंज होती हैं तो उसी की अरेंजमेंट को हम कहते हैं फिलोटेक्सी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर वीनम ऑफ कोबरा अटैक्स जो कोबरा का विनम होता है जो कोबरा का जहर होता है वो किस सिस्टम पर अटैक करता है इसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है डाइजेस्टिव सिस्टम इम्यून सिस्टम नर्वस सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम सो वीनम कोबरा का अटैक करता है नर्वस सिस्टम पे। ऑप्शन सी होगा सही जवाब नाइंटी फाइव वेन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल देन द प्रोसेस इज कोल्ड जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से एंटर करती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है मीजोगेमी सूडोगेमी चले जो गैमी या फिर पोरोगैमी, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पोरोगेमी ओके ऑप्शन डी होगा सही आंसर आउल ग्लिटर एट नाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो उल्लू की आंखें होती हैं वो रात को चमकती हैं किसके कारण उसका क्या रीजन है ओके ऑप्शन ए पोरफारोप्सिन, टेपिटम फिब्रोजम ल्यूसीफर टेपिटम सेलोजम ठीक है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दैट इज स्टेपेटम सेल्यूलोजम नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग स्ट्रीनियस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है ठीक है हम थक भी जाते हैं तो वो किस कारण होता है ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड स्टार्च पायरुविक एसिड ठीक है तो उसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में ऑप्शन बी होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट हाइड्रोपोनिक्स इज अ टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक्स से हर बार क्वेश्चन आता है लगभग हर बार ठीक है सो so, हाइड्रोपोनिक्स क्या है ग्रोइंग 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 प्लांट 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 इन विदाउट वाटर वाटर कंजर्वेशन ऑफ विदाउट हैल सो जो हाइड्रोपोनिक्स है ना ये एक टेक्निक है जिसमें हम प्लांट्स को किसी एक न्यूट्रंट सोल्यूशन में ग्रो करते हैं जो भी न्यूट्रंट सोल्यूशन उस प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है उसको हम डाल देते हैं एक बेकर में और उसमें हम प्लांट को ग्रो करते हैं इसमें सॉइल की नीड नहीं होती है सॉइल लेस कल्चर भी हाइड्रोपोनिक्स को कहा जाता है तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही होगा पहला है ग्रोइंग प्लांट इन सॉइल तो ये नहीं होगा ग्रोइंग प्लांट विदाउट वाटर नहीं वाटर सोल्यूशन तो है इसमें थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ वाटर तो ऐसा कुछ नहीं है डी ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल ठीक है डी सही होगा क्योंकि हम इसमें प्लांट्स को बिना सॉइल के ग्रो कर रहे हैं ऑप्शन डी hmm. होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ जो कॉटन की फाइबर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं प्रोटीन सेल्यूलोज फैट्स या फिर स्टार्ट सो कॉटन फाइबर्स जो होते हैं वो बने होते हैं सेल्यूलोज के ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द फेज ऑफ सेल साइकिल इन विच रेप्लीकेशन ऑफ डी एन एकर्ज इज सेल साइकिल का ऐसा फेज जिसमें डी एन ए की रेप्लीकेशन होती है ठीक है वो कौन सा फेज है एस फेज जी वन फेज जी टू फेज या फिर एम फेज ओके सो डी एन ए की रेप्लीकेशन होती है इन एस फेज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रू फिश इसमें से कौन सी ऐसी फिश है जो ट्रू फिश है जेली फिश कटल फिश फ्लाइंग फिश या फिर डी सिल्वर फिश सो इसमें जो ट्रू फिश है वो है फ्लाइंग फिश ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज नोट रिफ्लेक्स एक्शन इनमें से कौन सा एक रिफ्लैक्स एक्शन नहीं है योनिंग वीपिंग कफिंग या फिर डी स्नीजिंग राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज व्पिंग जो रोना है वो एक वॉल्ट्री एक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन सोर्स ऑफ एनर्जी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज मसल कॉन्ट्रैक्शन में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है कहाँ से एनर्जी मिलती है ए डी पी ए टी पी जी टी पी या फिर क्रिएटिन फॉस्फेट सो एनर्जी के सोर्स हैं ए टी पी भी हैं और क्रिएटिन फॉस्फेट भी है ठीक है यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इन्होंने एक ऑप्शन देना था कि बोथ बी एंड डी तो आप देख सकते हो अगर आपके क्वेश्चन में आया एटीपी और क्रेटिन दोनों तो ये दोनों ठीक होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट जो ऑगजेंटिक सेल्स होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं लाइपेज ऑक्सीजन एच या फिर पेप्सिनोजन सो ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती हैं वो सिक्रीट करती हैं एच हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके क्वेश्चन नंबर वन जीरो एडाम्स एप्पल होता है वो क्या है एल्वियोलाइर रिंग विल्वा या फिर ब्रिटिश फ्रूट सो एडम्स एप्पल इज लेरिंग्स। ओके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 106 व्हेन पोलन ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट द पोलिनेशन इज कॉल्ड यानी कि ऐसी पोलिनेशन जिसमें एक प्लांट के ही दो फ्लावर्स में पोलिनेशन हो रही है यानी कि एक फ्लार के एंथर से दूसरे फ्लार के स्टिग्मा में पॉलिनेशन हो रही है उस टाइप ऑफ को क्या कहते हैं ओके okay? गिटोनोगैमी, या फिर एलोगी तो इसको कहा जाता है गिटीनोगैमी जो ऑटोगैमी का ही एक टाइप है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चार्ल्स डाविन ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड ओनरशिप फॉर फाइव ईयरस इट वॉज चार्ल्स डार्विन ने पूरे वर्ल्ड का एक राउंड लगाया था एक शिप में पांच सालों के लिए तो उस शिप का क्या नाम था एच एम एस बीगल ए पी एस विक्रांत अलेगेंडर डब्ल्यू एच फिलिप्स बीगल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बी सी जी वैक्सीन इज गिवन अगेंस्ट जो बीसी जी वैक्सीन होती है वो किसके लिए दी जाती है किस डिजीज के लिए दी जाती है टाइफॉइड, कॉलरा ट्यूबर क्यूलोसिस या फिर डिप्थीरिया। सो so, ये दी जाती है ट्यूबर क्यूलोसिस के लिए जिसको हम टीबी भी कहते हैं इन शॉर्ट क्वेश्चन केनाल अकर वॉकमेंस कहाँ पर होती हैं? लिवर में बोन में इंटरनल ईयर या फिर कार्डिलेज में सो वॉकमेंस कैनाल अकर इन बोन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पेस मेकर को हम कहां पर इम्प्लांट करते हैं ठीक so, है एवी नोड मेंकर को नोड में अगर एस ए नोड डिफेक्टिव है तो हम आर्टिफिशियल पेस मेकर इम्प्लांट कर देते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ओकाजाक के फ्रेगमेंट आर सीन ड्यूरिंग ओकाजाग के फ्रेगमेंट हमें कब दिखते हैं के टाइम ट्रांसडक्शन के टाइम ट्रांसक्रिप्शन के टाइम या फिर ट्रांसलेशन के समय सो ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर सीन जोरिंग रेप्लीकेशन ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड फिफ्टी सेकेंडरी ओसाइट्स फॉर्म यहाँ पर आपसे बोला गया है कि किस कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ठीक है पचास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और पचास सेकेंडरी ओसाइट्स क्या बनाते हैं हंड्रेड्स पाम एंड फिफ्टी ओवा टू हंड्रेड्स पाम एंड फिफ्टी ओवा टू हंड्रेड्स पाम एंड ट्वेंटी फाइव होवा या फिर हंड्रेड्स पाम्स एंड ट्वेंटी फाइव ओवा तो ये हमें समझना पड़ेगा सो so, मैं आपको समझाने के लिए एक रफ सा डायग्राम बनाऊंगी ठीक है ये है प्राइमरी पोमेटो जब इसकी डिवीजन हुई ये बन गया स्कैंड्रज पोमेटो ठीक है ये एक स्कैंड्रज पोमेटो है ये दूसरा स्कैंड पोमेटो है जब ये डिवीज़न हुई इसकी ग्रोथ हुई तो एक स्कैंड्रीज पोमेटो गिव राइज टू टू स्पर्म्स ठीक है और दूसरा भी दो स्पर्म्स डेवलप करता है आफ्टर इट्स डिवीजन ठीक है तो यहां से ये हो गया कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट गिव राइज तो टू टू स्पर्म्स ठीक है ये बात हो गई हमारी स्पर्मेटोसाइट्स की सो so, फिफ्टी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट गिव राइज टू तो हंड्रेड स्पर्म्स ठीक है हंड्रेड स्पर्म्स कंफर्म हो गए अब देखते हैं हम ओसाइट की फिफ्टी सेकेंडरी ओसाइट्स कितने ओवास को फॉर्म करते हैं ये है हमारा प्राइमरी ऊसाइट जिससे बने एक सेकेंडरी ऊसाइट बना और एक बनी पोलर बॉडी ठीक है ओ जेनसिस में पोलर बॉडीज़ भी बनती हैं सो ये है हमारा सेकेंड्री ऊसाइट सो एक सेकेंडरी ऊसाइट फॉर्म करता है एक ओवा ओके एक ओवा इसने बनाया और साथ में पोलर बॉडी एक पोलर बॉडी यहाँ से बनी और दो पोलर बॉडीज यहाँ से डेवलप होंगी तो तीन पोलर बॉडीज बनेंगी और एक बनेगा ओवा सो so, एक सेकेंडरी ऊ साइट गिव राइज टू वन ओवा यानी कि फिफ्टी ऊ साइड बनाएंगे फिफ्टी ओवा ठीक है तो स्पोमेटोसाइट होगी हंड्रेड और ओवा होगी फिफ्टी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ठीक है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टीन इसमें मैच करके बताना है आपको किसने क्या डिस्कवर किया है ठीक है सो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है न्यूक्लियस ए का होगा फोर ठीक है रेडोल्फ विचो ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला रॉबर्टिस एंड फ्रेंची ने माइक्रोट्रिब्यूल और जॉर्ज पलाडे ने राइबोसोम सो ए का फोर्थ हो गया बी का हो गया सेकंड ए का फोर्थ और बी का सेकंड है इसमें सो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सेल ऑर्गेली विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऐसा सेल ऑर्गेले जिसमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है राइबोसोम राइबोसोम लाइसोसोम क्लोरोप्लास्ट डी बोथ राइबोजोम लाइजोसोम राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज राइबोसोम्स में लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है क्वेश्चन नंबर मेंडल द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस सो लॉफ प्योरिटी ऑफ केमीट बेसिस क्वेश्चन मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसड बाई आर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स अटैच टू हिमोग्लोबिन एज बाई कार्बोनेट आइन डिजोल्व इन द ब्लड या फिर एज कार्बोनेट सो मोस्टली जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में वो लंग्स में ट्रांसपोर्ट होते किसके थ्रू ठीक है सो ये ट्रांसपोर्ट होती है एज बाई कार्बोनेट आइंस ऑप्शन भी होगा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइक स्पीड वॉल्व ऑफ हार्ट अलाउस ब्लड फ्रॉम दो तरह के वॉल्व होते हैं एक होता है बाइक का एक होता है ट्रैक स्पीड वॉल्व सो यहाँ पर पूछा गया है बाइक का वॉल्व ऑप्शन इज द राइट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंटिकल राइट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंटिकल राइट ऑरिकल टू राइट वेंटिकल या फिर डी लेफ्ट वेंटिकल टू लेफ्ट वेंटिकल सो बाइक का वॉल्व ब्लड को अलो करता है फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंटिकल और जो ट्राई कस्पिट वॉल्व है वो करता है राइट ऑरिकल टू राइट वेंटिकल के लिए तब ऑप्शन सी होगा सही आंसर अगर ट्राईकस्पिट वॉल्व पूछा होगा तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन हम वन हंड्रेड एटीन द हॉमोन दैट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीज इट्स एक्सक्रीजन बाई किडनी इज पैराथामोन कैल्सिटोनिन थाइ्रॉक्सिन या फिर इंसुलिन राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज ओके क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड नाइनटीन प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन सी थ्री प्लांट्स जो सी थ्री प्लांट्स होते हैं उसमें प्राइमरी सी ओ टू एक्सेप्टर कौन होता है फोसफोग्लिसरल डिहाइड पी ई पी आर यू बी पी या फिर डी ओग्जलो एसीटेट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दैट इज आर यू बी पी आर यू बी की फुल फॉर्म है रूबिलोज बाईफॉस्फेट पी ई पी है फोस्फो इनोल बायरुवेट ठीक है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दैट इज आर यू बी पी लास्ट क्वेश्चन ए टीपी वॉज डिस्कवर्ड वाई ए टीपी की खोज किसने की थी ब्लैकमैन लिपमैन कार्ल लोहमन या फिर डी वोमेन राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज कार्ल लोहमेन ओके सो गैस आज की वीडियो में बस इतना ही कल हम और थर्टी क्वेश्चन लेकर आएंगे आपको कमेंट करके बताना है कि आपके थर्टी में से कितने क्वेश्चन सही हुए वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बाय टेक केयर